अगर 2 महीने के अंदर मान लेता तो ठीक है, आप मानेंगे वोट नहीं मिलेगा इसे बिल्कुल ही। दिन के उजाले में सुबह मॉर्निंग में आता है, आके हाथ जोड़ता है, उस दिन उनका चेहरा देखने वाला था जो इस अन्नदाता से तुमने वादा किया है 15 जनवरी तक जो भी तय किया उसे लागू कर देना और इनको एक संदेश दे देना कि अन्नदाता हम तेरे साथ में हेराफेरी नहीं करेंगे। कितने दिनों से आंदोलन में है? मुझे एक साथ 14 दिन हो गए चुके हैं। अच्छा, अब तो जीत मिल गई, कितना खुशी है? खुशी भी तो है, जरूर है। हाँ। मतलब हमारी गमी भी जरूर है, तो जो हमारा 715 आदमी शहीद हो चुके हैं उनके लिए हमारे बहुत दिल में दुख है, दुख रहेगा, दुख है, तो ये हमारे बहुत दुख है इस बात का। खुशी लड़ाई में जीत मिल गई है? हाँ, जीत मिली है, जरूर मिली है, और जीते ही भी है, और भी जो रह रहे वो भी जीतेंगे। तो मोदी सरकार को क्या कहेंगे? हम मोदी सरकार को हराएंगे। अब क्यों हराएंगे? अब तो आप बिल्कुल हराएंगे, आपकी बात मान ली, आपका दर्द बेशक मान ले, उन्हें हमारे शहीद होने के ऊपर एक सवाल नहीं बोला, यहाँ क्यों अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, वो नहीं बोला, ये उसको बोलना चाहिए थी, वो नहीं बोला, तो हमें उसको हराना ही हराना है, हर हालत हराना। अरे, आपका भरोसा जीतने के लिए तो उन्होंने बात मानी आपकी? तो मानी, देखो जरूर मानी है, पर अगर 2 महीने के अंदर मान लेता तो ठीक रहता, आप तो उन्हें आखिर कर दी हमारे साथ, आप तो उन्हें आखिर कर दिया, अब नहीं हम मानेंगे वोट नहीं मिलेगा इसे बिल्कुल ही। अच्छा, मोदी जी क्या करेंगे, आप खुश होंगे फिर? और कोई लाएंगे, नया लाएंगे, इसे हटा देंगे। नहीं खुश होंगे कभी भी? हाँ, खुश नहीं होंगे मोदी जी से कभी भी? हाँ, बहुत कमियां हुई हैं इनके साथ, इसे कमियां बहुत करी हैं। एक बात बताओ, 7.5 साल जुमलेबाजी में लोगों को गुमराह करने में, हिंदू मुसलमान करने में, देश को बेचने में निकाल दिया 7.5 साल, और 7.5 साल के बाद में लेकिन किसान इतना जागरूक था, इनके लीडर जागरूक थे, किसान इतना पारकू होता है, जो फसल बोता है उसकी जड़ से लेके फुलची तक एक नज़र में पहचान लेता है, इसे ये बीमारी है, इसे ये सुंडी लगी हुई है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन्होंने जब उस बम को देखा, इन्होंने कहा भाई अपना ले जाओ उठा के, हमें नहीं चाहिए। 1 साल तक कसम कस होती रही, आखिरकार जो प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में आके लोगों को संबोधित करता था, भैरो भाइयों, आज से 500,000 के नोट अनलीगल हो गए, भैरो भाइयों, आज से पूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया, संपूर्ण लॉकडाउन, ठीक। वो प्रधानमंत्री इस आंदोलन की बदौलत दिन के उजाले में सुबह मॉर्निंग में आता है, आके हाथ जोड़ता है, उस दिन उनका चेहरा देखने वाला था, उस दिन पता चला कि ये देश का प्रधानमंत्री झूठा, फरेबी, और ये बिल्कुल बिल्कुल देश के बेचने वाला व्यापारी है। उस दिन पता चला कि उसने जो सौदा किया था उससे दुख था, उसे हम उससे कैसे खुश हो जाए? अभी इतनी नाराजगी, हम खुशी है कि नहीं थोड़े, हम खुश कैसे हो जाए यार? हमें पता चल गया कि ये आदमी व्यापारी है, ये देश बेचने वाला है, तो हम आज कैसे खुश हो जाए? हम तो यहाँ से एक सीख लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे मोदी सरकार को? क्या कहेंगे मोदी सरकार को? मैं ये कहूँगा कि जो आपकी विश्वसनीयता थी आपने वो 7.5 साल में बेच दी, खत्म कर दी, तुम्हारा विश्वास कोई नहीं करता। अब तुम एक काम करना, जो इस अन्नदाता से तुमने वादा किया है 15 जनवरी तक जो भी तय किया उसे लागू कर देना, और इनको एक संदेश दे देना कि अन्नदाता हम तेरे साथ में हेराफेरी नहीं करेंगे, हम तेरे साथ में कोई धोखा नहीं करेंगे, तो थोड़ी बहुत शाख बची रहेगी, नहीं तो घंटा बजाएंगे मंदिर में।